हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम सीखेंगे C5 के बारे में। C5 ये कैंसर की मेडिसिन है। लीवर से रिलेटेड जितने भी कैंसर हो, या लीवर में कैंसर हो, टिश्यू में कैंसर हो, तो इसे C5 से ठीक किया जा सकता है। C5 सी ग्रुप के जितने भी मेडिसिन हैं, सबसे स्ट्रांग मेडिसिन C5 को माना जाता है, और C5 का रिजल्ट भी उतना ही है। फैटी लीवर हो गया हो तो C5 को S5 के साथ अल्टरनेट दिया जाए तो फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है। ऐसा ही C5 का बहुत बड़ा काम है, तो अब आज देखेंगे C5 के बारे में। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ जानना हो तो व्हाट्सअप करिएगा। तो इससे, लाइक शेयर करने से मैं आगे की वीडियो बनाते रहूँगा। अभी पहले जितने भी मेडिसिन हैं, सारी मेडिसिन 38 मेडिसिन को पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन मेडिसिन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिसीज़ के ऊपर आएंगे। जितने भी डिसीज हैं, डिसीज को क्लियर करेंगे। तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब देखते हैं C5 का सबसे बड़ा काम। C5 का काम है लीवर से जुड़ी हुई जितने भी डिसीज हैं, भले हो लीवर सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्किन की सेकंड लेयर के नीचे, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में ये बहुत अच्छी काम करती है। क्रोनिक जितनी भी डिसीज है, टिश्यू डैमेज जहां हो रहा हो, वहां C5 का यूज करना चाहिए। फंक्शनल रेमेडी के साथ C5 को दिया जाए तो बहुत जल्दी वो बीमारियां ठीक हो जाए। C5 के फर्स्ट डाइल्यूशन से फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, कहीं घाव हो जाना, कहीं फोड़ा फुंसी हो जाना, पिंपल्स हो जाना, ड्राई एक्जिमा हो जाना, या शरीर में कहीं स्किन पे कड़ापन आ जाना, कालापन आ जाना, कहीं कहीं स्किन पे आप देखे होंगे कि ब्लैकनेस आ जाता है आंखों के नीचे, या ऐसे धब्बे आ जाता है, तो ब्लैकनेस के लिए भी C5 का फर्स्ट सॉल्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। लीवर में किसी तरह से इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो उसे भी C5 के फर्स्ट सॉल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। इवन लिकोरिया हो, एक्यूट लिकोरिया अगर है, तो उसे भी C5 के फर्स्ट सॉल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। C5 के सेकेंड सॉल्यूशन से क्रोनिक रिमोटाइड आर्थराइटिस, जॉइंट में कहीं स्वेलिंग हो जाना, क्रोनिक लिकोडर्मा, क्रोनिक लिकोरिया, क्रोनिक फैटी लीवर C5 के सेकेंड डाइल्यूशन से ठीक कर सकते हैं। शरीर में पुरानी कहीं सूजन आया हो, इवन निमोनिया हो गया हो, तो पी ग्रुप के साथ C5 का बहुत अच्छा काम देखने को मिलता है। कहीं जॉइंट में पेन हो रहा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया हो, तो वहाँ पर भी C5 अल्टरनेट C4, S5 और F ग्रुप के साथ दिया जाए तो बहुत जल्दी लाभ देखने को। C5 के थर्ड डाइल्यूशन से एनल में आई हुई कोई भी प्रॉब्लम, जैसा पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, या किसी तरह से बॉयल्स हो जाना, कहीं घाव हो जाना, वो सूख नहीं रहा, उसे सुखाना है, तो C5 का थर्ड डाइल्यूशन यूज करना है। कहीं बहुत पुराना, 2-3-4 साल से लिकोरिया हो रहा हो, या लिकोडर्मा हो गया हो, तो उसे भी C5 से थर्ड डाइल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। C5 स्किन में कोई भी समस्या आया हो,
एक्जिमा हो, लिकोडर्मा हो, सोराइसिस हो, इसे C5 के थर्ड डाइल्यूशन से ठीक किया जा सकता है। C5 के साथ उसको देखना है कि उसके टेम्परामेंट मेडिसिन देना है, साथ में उसकी फंक्शनल मेडिसिन देना है, साथ में C5 देना है। हेरिडिटी है तो Ven1 का लेकर 10 डाइल्यूशन तक जितने भी डीजनरेटिव डिसीज, डीजनरेटिव मीन्स पुराना क्रोनिक से भी आगे चला गया हो, फोर्थ स्टेज की कैंसर, लीवर में हो गया हो फोर्थ स्टेज का कैंसर, या बॉडी में कोई भी पार्ट्स में कैंसर हो गया हो, तो उस ऑर्गन की फंक्शनल रेमेडी के साथ C5 को दिया जाए तो कैंसर को भी इजीली क्योर किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो सी ग्रुप है, ये कैंसर, उस नाम से ही समझ में आता है कि ये कैंसर के लिए ही बनाया गया है। काउंट सीजर मैटीजी ने हमें ये एक वरदान दे दिया, ये एक गिफ्ट दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट जिसे हम सोच नहीं सकते कि इसकी रिजल्ट इतनी अच्छी है। बाकी पैथियों में कैंसर के नाम से ही डर लगते हैं, पेशेंट कैंसर के नाम से ही डरते हैं, परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कैंसर इजीली क्योर किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, कैंसर पेशेंट ठीक करिए और देखिए फिर आपका पेशेंट कितना बढ़ता है। पेशेंट अगर बढ़ाना है तो क्रोनिक डिसीज जो सारी पैथियाँ ठीक नहीं कर पा रहे, वो हम इलेक्ट्रोपैथी ठीक कर पाते हैं, तभी हमारे पास पेशेंट आएंगे, अन्यथा हम क्रॉस पैथी में प्रैक्टिस करते रह जाएंगे और सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, क्रॉस पैथी में प्रैक्टिस बंद करिए और इलेक्ट्रो अपनी पैथी में प्रैक्टिस करिए। इसीलिए दोस्तों, हम इलेक्ट्रोपैथी होके हम क्रॉस पैथी में प्रैक्टिस क्यों करें? क्रॉस पैथी में प्रैक्टिस ना करते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं C6 को लेके। एक किडनी की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है C6, तो कल देखेंगे C6 के बारे में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।